दोस्तों, हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं राजदीप, और आज इस वीडियो में हम नेविगेशन बनाना सीखेंगे। एक बेसिक नेविगेशन कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो गाइज, नेविगेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर वेबसाइट में होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं गूगल में जाता हूँ, और यहाँ गूगल पर जाता हूँ और आप देखेंगे जीमेल, इमेजेस, इसी तरीके से होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, इस तरह का नेविगेशन आपको हर वेबसाइट में मिलता है। तो बेसिक नेविगेशन कैसे बनता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने एक नेविगेशन डॉट एच टी एम एल करके नया डॉक्यूमेंट बना लिया, जिसके अंदर टाइटल है, लिंक है, हेड है, बॉडी है, और माई स्टाइल डॉट सी एस एस इसमें लिंक करी हुई है। ठीक है, अब मैं बॉडी में जाता हूँ, और बॉडी में यहां पर मैं ले लेता हूं यूएल। ठीक है, यूएल एल आई मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने एच टी एम एल की सीरीज नहीं देखी हो तो पहले वो देखो, उसके बाद यहां पर आओ। ठीक है, तो यूएल और एल आई का मतलब होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर होते हैं लिस्ट आइटम। ठीक है, तो यूएल लिया हमने, और यूएल के बाद हम लेंगे एल आई। ठीक है, और ऐसी हम ले लेंगे 5 LI। ठीक है, 5 LI ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमारे पास 5 आइटम होने वाले हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेस, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो एल आई के अंदर जाएंगे हम, और एल आई में हम प्लेस करेंगे एंकर टैग, या पहले हम सबसे पहले होम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां हम लिख देंगे अबाउट अस, फिर यहां पर लिख देंगे सर्विसेस, फिर यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट्स, और फिर यहाँ लिख देंगे कॉन्टेक्ट। ठीक है, इतना मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर जाकर मेरा ये जो पेज है इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे एक मेरे पास नॉर्मल सी लिस्ट बन गई, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमें यूएल लेना है, यूएल के अंदर एलआई लेना है, और एलआई के अंदर ये सारी चीज़ें हमें डालनी है। लेकिन गाइस, आप किसी भी नेविगेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लिंक, ये जो बटन्स होते हैं ना, ये क्लिकेबल होते हैं। अब क्लिकेबल का मतलब है कि ये एंकर टैग में होना चाहिए, मतलब ए टैग जो होता है हमारा, जिससे हम लिंक बनाते हैं, उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ए टैग के अंदर डालेंगे। तो मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं, और यहां पर एक ए टैग ले लेता हूं, और एच आर एफ को यहां पर हैश कर देता हूं। हैश का मतलब होता है कि क्लिक करेंगे तो ये कहीं भी जाएगा नहीं, और इसके बीच में मैं होम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर वापस से सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट, इसको मैंने सेव किया, मेरे पेज पर गया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि अब मैं इनको क्लिक कर पा रहा हूँ, मतलब कि हमने इसमें क्लिक वाली फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो गाइस, HTML का जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जितना भी हम काम करेंगे वो सारा हम CSS में करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पेज पर जाता हूँ, और यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूएल से। ठीक है, यूएल को स्टाइलाइज करेंगे, और यूएल से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, यूएल को मैंने सिलेक्ट किया, और सबसे पहले मैं इसकी मार्जिन जो है उसको दे देता हूँ 0। ठीक है, और पैडिंग जो है उसको दे देता हूँ 0। ठीक है, अब गाइस क्या होता है कि हमेशा जो ब्राउजर होता है वो कुछ डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग अप्लाई कर देता है, तो उसको हम पहले 0 कर रहे हैं। अब मैं रिफ्रेश अगर इसे करूंगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस साइड चला गया, और जो डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग थी वो यहां से हट गई। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो डॉट्स थे हमारे वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेविगेशन में जाता हूँ मैं, और यूएल के लिए हमने ये सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया। उसके बाद हम आते हैं नीचे, और एक ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पर, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो गाइस लिस्ट स्टाइल क्या करता है कि अभी किसी रीजन से यहाँ पर जो हमारे जो बुलेट्स दिख रही थी वो गायब हो गई, लेकिन अगर हम लिस्ट स्टाइल को नन नहीं करते तो भी वो विजिबल होती है, तो इसलिए हम लिस्ट स्टाइल को नन करते हैं ताकि वो बुलेट्स पॉइंट वापस से इसमें ना दिखे। ठीक है, उसके बाद हम देंगे इसकी हाइट। ठीक है, हाइट दे देंगे हम 36 पिक्सल। हाइट का मतलब होता है कि एक गेप इसके बीच में हो। ठीक है, हाइट जो है मतलब हमारे बॉक्स की जो हाइट है वो हाइट हमें यहां मिल जाए। उसके बाद हम दे देंगे इसका बैकग्राउंड, दे देंगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम हैश 000। 000 का मतलब होता है ब्लैक।
ठीक है, तो हमने जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसको 0 0 0 कर दिया। और ये जो आपको 36, ये जो दिख रहा है, ये 36 पिक्सल की हमारी जो है वो हाइट आ गई है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको दे देंगे हम, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एरियल, हेलवेटिका और सेंस सेरिफ, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 13 पिक्सल, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। इसको मैं आऊँगा यहाँ के, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि मेरे फ़ोन चेंज हो गए और उसकी जो हाई वो है वो भी चेंज हो गई, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा और एकदम क्लियर होगा। अब आप बोलोगे कि ये ब्लैक बार ऐसा क्यों दिख रहा है, तो गाइस ये जो है ये LI है और हमने जो हाइट अप्लाई की वो UL है, तो UL जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके अंदर, और बाकी के जो आपके ये जो एलिमेंट्स हैं LI वाले वो अलग है। तो हमने UL पर 36 पिक्सल हाइट अप्लाई की, इस वजह से वो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और LI पर काम करेंगे अब, ठीक है। LI पर जाऊंगा मैं और LI में सबसे पहले मैं लूंगा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि इसकी सब जो है वो फ्लोट होके एक के पास सारे यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद मैं बॉर्डर ले लूँगा इसकी, तो बॉर्डर राइट में बॉर्डर पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसका मैं 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर दे दूंगा मैं, कलर है मेरे पास #156EE2, ठीक है गाइस। तो कलर मैंने कहाँ से सिलेक्ट किया वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये दिखा दूँ। तो इस तरह की मेरे पास ये ब्लू कलर की बॉर्डर आ गई है। तो अगर आपको ये कलर चाहिए हेक्स उसमें, तो आपको जाना होगा गूगल पर और सर्च करना होगा हेक्स कलर कोड, और ये HTML कलर कोड वाली जो वेबसाइट है उसको ओपन करना होगा और यहाँ पर आपके पास ये मिल जाएगा। तो आप जो भी उसमें चाहे, जो भी उसमें चाहे, उसमें आपके पास ये हेक्स में कलर जो है वो कोड आ जाएगा, वो आप सिलेक्ट करके आपका कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने ब्लैक कर दिया यहाँ पर, हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नीचे आते हैं LI के बाद, और अब हम काम करेंगे एंकर लिंक पर, ठीक है, मतलब हमारे ए पर। तो ए में सबसे पहले हमारे काम क्या करना है, वो करना है डिस्प्ले ब्लॉक। तो गाइज मैंने आपको एक पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन और ये सब क्या होता है। तो जो हमारा ए होता है वो इनलाइन होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम यहाँ पर ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए करना इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसे ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे जो इसके स्टाइलिंग करने वाले वो स्टाइलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं, इस पर हम दे देते हैं पैडिंग 0 और 28, ठीक है। 0 का मतलब है कि टॉप और बॉटम में 0 और लेफ्ट और राइट में 28 पिक्सल। इसको मैंने सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट और राइट में 28 पिक्सल मुझे वो मिल गई है और बॉटम और टॉप और बॉटम में मुझे 0 0 मिल गई, ठीक है गाइस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको एकदम ईजीली क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और हम मेरे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो कुछ अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये इस तरह का मुझे कलर दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे चेंज करना है। तो मैं कलर लिखकर #FFF होता है वाइट कलर के लिए, इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास इस तरह का कुछ कलर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आऊंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है कि आप जब भी कभी भी इन लिंक्स पर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अंडरलाइन मिलती है, लेकिन हम अंडरलाइन नहीं चाहते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से ये जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाती है, देखेंगे आप, रिमूव हो गई गाइस। तो हमारा जो ए है इसकी भी हम पूरी सेटिंग कर चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कि ये 50% मतलब नीचे का जो हिस्सा है वो खाली रह गया है। तो उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और हमारा जो UL है उसमें हम हाइट के बाद नीचे लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट करके एक चीज़ होती है, शायद मैंने आपको नहीं बताई है, अगर नहीं भी बताई है तो मैं इसमें, आप इसमें समझ लीजिए कि ये 36 पिक्सल हम कर देंगे। लाइन हाइट का क्या होता है कि ये आपके जो आपकी जो टेक्स्ट है उसकी हाइट को, जो कवर एरिया कवर करता है उसको ये बढ़ा देता है। इसको मैं सेव करूंगा,
यहाँ जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरी लाइन हाइट जो है वो बढ़ गई और ये परफेक्टली प्रोपोर्शन में अब ये आ गया है, ठीक है। तो गाइस हमारा जो नेविगेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, वापस मेरे नेविगेशन में जाऊँगा, ठीक है, और अब मैं होवर करके, एक मैंने चीज़ बताई होगी आपको CSS में लिंक्स करके, मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसके अंदर होवर करके एक बताया होगा। होवर का मतलब होता है कि जब भी मैं किसी पे इस पे लेके जाऊं तो वो होवर पर कुछ काम करता है, तो वो काम अभी हमें करना है। तो एक मैं होवर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सा, और यहाँ पर आकर इसका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ट बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, मेरा ब्लू वाला। इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया। अब क्या होगा कि जब भी मैं किसी भी मेरे नेविगेशन पे जाऊँगा तो वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस। बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पर। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ बची हुई है जो हमें करनी है, वो है कि करेंट आइटम। गाइस आपने देखा होगा कि जब भी हम होम पेज पे होते हैं तो होम पेज का कलर इस तरीके से ब्लू होता है, जब हम अबाउट अस पे होते हैं तो वो इस कलर का होता है, मतलब ये कुछ वेबसाइट्स में होता भी है और कुछ वेबसाइट्स में नहीं भी होता है। तो वो कैसे हम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन में जाएंगे और LI जो है इस पर मैं इसकी क्लास डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, कुछ भी दे सकता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ एक्टिव, कि मतलब अभी हम होम पेज पर है ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इसकी मैं क्लास दे देता हूँ एक्टिव, और नीचे आऊंगा, ठीक है, और मैं डॉट एक्टिव को सिलेक्ट करूंगा, उसमें मैं मेरा जो ए है उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहां पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐसा कैसा सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको सिर्फ सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब अभी हम होम पेज पर है तो हमारा होम यहां पर एक्टिव है, ठीक है। तो ये एक्टिव पेज को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हमने डॉट एक्टिव के बाद ए क्यों लगाया। गाइस तो CSS का एक और रूल मैं इसमें आपको बता दूं कि अगर आपको ए सिलेक्ट करना है तो अगर मैं ए सिलेक्ट कर लेता डायरेक्टली, अगर मैं ए लगा देता, इस एक्टिव को नहीं लगाता, तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे ए है सब पे ये बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर देता है। जैसे मैं करके बता देता हूँ आपको, यहां से मैंने हटाया, इसको सेव किया, एक रिफ्रेश किया, तो इसने पूरे को ब्लू कर दिया। लेकिन ए डॉट एक्टिव ए का मतलब हुआ कि पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जिसकी क्लास एक्टिव है उसके अंदर का जो ए है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना, ठीक है, स्पेस का मतलब वो होता है, उसी को सिलेक्ट करना है और उस पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो उसको मैंने रिफ्रेश किया तो हमारे पास इस तरह का कुछ मिल जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर यहां भी है और बैकग्राउंड कलर यहां भी है, तो हमें इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहां से कॉपी करके, ठीक है, यहां पर कॉमा लगा देंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको मैं यहां से हटा दूंगा, इसको मैं सेव करूंगा और आकर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर सेम प्रॉपर्टीज यूज हो रही है तो आप यहां पर कॉमा लगा 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 कर अलग अलग एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक और नोट करने वाली चीज है, ठीक है गाइस। तो आप देखेंगे कि हमने एक सिंपल सा नेविगेशन बना लिया, बहुत ही ज्यादा इजी है, और नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें और एडवांस टाइप के नेविगेशन हम सीखेंगे। अभी मैंने इसकी जो विड्थ है उसको फुल कर दिया, अगर आप चाहे तो यहां आकर विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ 520 पिक्सल, इसको सेव किया, यहाँ कर रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि मेरा जो नेविगेशन है वो इतना सा बन गया। लेकिन मैं इसको पूरा ही छोड़ देता हूँ क्योंकि हमारे उसकी जो साइज़ है वो कितनी भी हो सकती है। तो गाइज ये था हमारा नेविगेशन, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछो, फेसबुक ग्रुप में जाके पूछो, व्हाट्सएप चैट में जाके पूछो, और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और गाइज मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रही है, प्रैक्टिकल सीरीज जो हमने शुरू की वो आपको पसंद आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।